आधा घंटा हो गया यार, क्या पता करके अभी तक ऑर्डर नहीं आया। शदीद भूख लग रही है। हाय गाइस, आई एम अम्माद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं NY212। अगर तो आप लाहौर से हैं तो आपको पता होगा कि NY212 आर फेमस फॉर देयर पिज्जाज, लेकिन पिज्जाज नहीं, वहाँ के बर्गर्स ट्राई करेंगे। तो अभी हम NY212 जाएंगे और वहाँ के बर्गर्स ट्राई करेंगे। अभी हमें कुछ नहीं पता क्या फ्लेवर्स हैं, क्या प्राइस है, क्या ऑप्शन है उसके अंदर। सो मिलके फिगर आउट करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। हम फाइनली NY212 पहुँच चुके हैं और इनके जो दो नए बर्गर हैं वो ट्राई करने वाले हैं। सो लेट्स चेक इट आउट कि कौन से दो नए बर्गर्स इन लोगों ने लॉन्च किए हैं। आई कैन नॉट वेट, और भूख भी शदीद लग चुकी है। तो ये है जी NY212 के दो नए बर्गर्स। उनके मेन्यू में सिंगल पैटी एंड डबल पैटी, जो अमेरिकन चीज़ बर्गर है उसके अंदर ऑप्शन है सिंगल पैटी की या डबल पैटी की। साथ में हमारे साथ है बटर मिल्क चिकन बर्गर, और ऑब्वियसली एक बीफ बर्गर लॉन्च किया उन्होंने, एक बटर मिल्क चिकन बर्गर लॉन्च किया है। और दोनों ही बड़ी सेफेस्ट बेट्स हैं मेरे हिसाब से बर्गर्स के लिए, बिकॉज आई थिंक ये बटर मिल्क चिकन जो आजकल आवाम को बड़ा पसंद है। जो अमेरिकन चीज़ बर्गर है उसके अंदर ऑप्शंस भी हैं बाय द वे टॉपिंग्स की, जिसके अंदर टोमेटो, अनियंस, आइसबर्ग, एलपिनो, पिकल्ड कुकम्बर और कैरमलाइज्ड अनियंस हैं। फ़िलहाल हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो ऑल एड ऑन्स के साथ किए, तमाम टॉपिंग्स इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। आधा घंटा हो गया यार, क्या पता करके अभी तक ऑर्डर नहीं आया। शदीद भूख लग रही है। गाड़ी में बैठो। फाइनली बड़ी दुआएं और मिन्नतें के बाद हमारा ऑर्डर आ गया है। फाइनली हमारे दो बर्गर्स जो हैं वो आ गए हैं। अभी मुझे ये नहीं पता कौन से वाला कौन सा है, सो लेट्स सी, देखते हैं। जो सा भी पहले आ जाता है उसको रिव्यू करते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसकी पैकेजिंग। तो बर्गर जो है वो फॉइल पेपर के अंदर रैप्ड है, उसके साथ ये सॉस है जो कि गार्लिक मेयो टाइप लग रही है सॉस, और काफ़ी ज़्यादा केचअप्स हैं एक्चुअली, काफ़ी ज़्यादा। एंड these are potato wedges. Wow, they look good. So ये चेक करते हैं बर्गर कौन से वाला है। The beef burger. उन्होंने इसको हाफ कट भी किया हुआ है। Let's try it out. So as per request तमाम वेजिटेबल्स जो हैं इसके अंदर डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। जो बन की क्वालिटी है, because it's a potato bun, तो looks good and पहली बाइट लेके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इसका टेस्ट। नॉट बैड एट ऑल, बन क्वालिटी इज गुड, सॉस अच्छी डाली हुई है। सॉस बहुत मैटर करती है बीफ बर्गर में, बट जो बन है आई थिंक थोड़ा सा और जो पैटी है थोड़ी सी और टेंडर हो सकती थी, इन अ सेंस के अगर थोड़ी सी ज़रा वेल्डन की तरफ लग रही है। अगर जो मीट की टेम्परेचर है वो अगर वो थोड़ा मीडियम वेल या मीडियम की तरफ होता बेहतर होता, बट पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे उतना ज़्यादा बेहतर लगता। टेस्ट इज़ नॉट बैड, और ख़ास तौर पे जब आप प्राइस की बात करेंगे, जो सिंगल पैटी बीफ बर्गर है वो 650 का, और एज़ कम्पेयर टू बटर मिल्क चिकन जो कि 700 का है, तो उससे सस्ता है। और साथ में पोटैटो बंस और उसके साथ में ड्रिंक भी है, ऑल दिस फॉर 650। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई थिंक ये बहुत ही आला डील है। वेरी नाइस। अब हम अपना नेक्स्ट बर्गर जो है वो ट्राई करेंगे, जो कि है हमारा बटर मिल्क चिकन बर्गर। चिकन बर्गर के साथ पहले आपको बता दूं कि फ्राइज आए हैं, पोटैटो वेजेस नहीं हैं, बट इस चीज़ का ख्याल रखेंगे अगर आप केयर नहीं करते कौन सा बर्गर खा रहे हैं, बट आपको फ्राइज चाहिए तो फिर आपको बटर मिल्क चिकन लेना पड़ेगा। सिमिलरली इसके साथ भी सॉस है और साथ में एक ड्रिंक भी है। 700 रुपीज़ फॉर अ चिकन बर्गर, आई थिंक ठीक है, चिकन बर्गर के हिसाब से स्लाइटली कंपेयर, बट देन अगेन बटर मिल्क चिकन बर्गर है। तो इसका सर्विंग साइज वगैरह भी देखते हैं। अगेन हाफ में हुआ है, सो ये इसका सर्विंग साइज है। सर्विंग साइज भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा एवरेज किस्म का सर्विंग साइज है। पोटैटो बन है, देखने में अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर जो टॉपिंग्स हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। फ़िलहाल हमें सिर्फ चीज़ की टॉपिंग नज़र आ रही है, उसके अलावा मुझे कोई और टॉपिंग इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। It's just okay. I mean, it's not bad. जनरली मुझे चिकन बर्गर नहीं पसंद, अगर मैंने बर्गर खाना है तो वो बीफ में ही होगा। बट आई मीन ठीक है, मैंने इससे बेहतर बटर मिल्क चिकन बर्गर्स खाए हुए हैं। जो पैटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये मेरा ख्याल है। और आई डोंट नो, जो क्रिस्पनेस है बटर मिल्क चिकन की वो भी ठीक नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, और इनकन्सिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। एंड सॉस भी जो बटर मिल्क चिकन के साथ जाती है वो वाली सॉस नहीं है। इट्स अ पास फॉर मी। फाइनली वी आर डन विद ट्राइंग NY212 के नए बर्गर्स। हमने बीफ बर्गर ट्राई किया और हमने चिकन बटर मिल्क चिकन बर्गर ट्राई किया। बीफ बर्गर मेरे हिसाब से वॉज द विन, क्योंकि एक तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंगल पैटी बर्गर है विद वेजेस एंड विद कोक, आई थिंक काफ़ी कंपेरेटिव प्राइस है, अच्छी प्राइस है। और बटर मिल्क चिकन जो है वो मुझे थोड़ा हायर प्राइस की तरफ लग रहा था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर आप बीफ बर्गर को फॉर एग्जांपल हार्डीज से कंपेयर करें और उसके अंदर अगर आपने मील वगैरह लेना हो तो वो 1000 से ऊपर अब बात चली जाती है। एंड कंसिडरिंग कि जो क्वालिटी थी बीफ की वो भी बुरी नहीं थी, ठीक है एंगस नहीं था, बट उसके अलावा जो बीफ है उसकी जो पैटी है उसका टेम्परेचर शायद बेहतर हो सकता था। बट ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी डील है, पेट भरने वाली डील है। 650 रुपये के अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी वर्थ इट है। बटर मिल्क चिकन फॉर मी इट्स अ पास, और बेहतर चिकन बर्गर्स की ऑप्शन है इस प्राइस के अंदर, तो शायद मैं तो उसकी तरफ जाऊँगा, बट हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आज हमने यही रिव्यू करना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है छोटी सी, तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, और इफ़ यू वांट टू स्टे अप टू डेट विद मोर फूड रिव्यूज़ एंड विद मोर न्यू अपकमिंग फूड व्लॉग्स, जो भी किसी रेस्टोरेंट में कोई नई चीज़ लॉन्च होगी हमारी कोशिश होगी हम आप तक लेके आएँ। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून फॉर दैट। सो उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।